everyone to one another Dhanda series by Omkara Capital. You know, this time we thought of focusing on IPO, which we don't normally do, but this one was an interesting one for us, HMA Agro. And now, you know, before we even start, you know, let me give a big disclaimer. Varinder Bansal or Omkara Capital has nothing to do commercially, you know, with the promoters of HMA or even HMA as a company. The intent of this discussion is to generally understand the business, the promoters of this business, and nothing else. And secondly, I know, you know, this business is not a common business in India, you know, in the listed space, because it comes from a field which is a buffalo meat. So, you know, our intent is to just understand the business. But for religious activities, you know, if someone does not, you know, like to hear this out, please, you know, that's fine. But as I said, the intent is only to understand the business of this company. So, you know, having said that, I'm joined by Shikha as well, who is the Vice President Research at Omkara Capital. And of course, I have the promoter, Wajid Ahmed, and CFO, Mr. Gulzaim Ahmed, sir, with us as well. Thank you, gentlemen, for joining us. Thanks, sir. थैंक यू एवरी वन. तो वाजिद भाई, मतलब हमारा इंटेंट जो इस डिस्कशन धंधा सीरीज का होता है बहुत सिंपल होता है कि हम इस सीरीज को इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि मेरी मम्मी भी समझ सके. एक नॉर्मल कॉफी काइंड ऑफ कन्वर्सेशन में बात करेंगे जहां पे आप हमें कंपनी के बारे में समझाएंगे, धंधे के बारे में समझाएंगे, यू नो दैट विल बी इम्पोर्टेंट. सो रिक्वेस्ट करते हैं सर आपको कि आप जितना हिंदी में बात करेंगे और जितना गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ नॉर्मल चिल होके थोड़ा सा सर शांति से, यू नो, उतना हमें अच्छा लगेगा. तो सर बिफोर, बाकी हम हमेशा सोचते हैं पहले प्रमोटर से चालू करते हैं, बट आई थिंक दिस इज अ बिजनेस जहां पे लोगों के बहुत क्वेश्चंस हैं. तो पहले मैं ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ सर, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक यार इस धंधे में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए. एंड आई विल बी वेरी ब्लंट सर, शिखा हियर विल आस्क ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई विल आस्क ऑल द स्टूपिड क्वेश्चंस. तो इस धंधे में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ये रेगुलेटेड धंधा है, ये गवर्नमेंट अलाउ करेगी भी नहीं करेगी इस धंधे को? यू नो दिस इज अ बिजनेस जो ग्रो कर ही नहीं सकता, एंड दिस इज समथिंग वेयर इट इज किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड ऑल. सो ऑल दिस काइंड ऑफ थॉट्स आर देयर. तो इसको धंधा कैसे बनाया आप लोगों ने? मतलब इज इट अ रेगुलेटेड वन इन इंडिया और नॉट? वाजिद सर, ये आपके लिए क्वेश्चन है सर. जी, तो आपका क्वेश्चन है कि इस धंधे में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और जो भी कोई पैसा लगाता है वो पहले समझता है, सीखता है, फिर पैसा लगाता है. अच्छा क्वेश्चन है. इस धंधे में हमने भी शुरुआत जब की थी तो बहुत छोटा सा पैसा लगाया था, और आज वो पैसा सब आप लोगों के सामने है. कितनी परसेंट ग्रोथ है, किस तरीके से हम पहुंचे, ये जर्नी हमारी हमारे फोर्थ जनरेशन से है. मैं थर्ड जनरेशन हूँ, वाजिद अहमद मैं थर्ड जनरेशन, और मेरा नेफ्यू जो सीएफओ है गुलजैम अहमद इज द फोर्थ जनरेशन. तो अब धंधे में पैसा लगाना चाहिए तो वो तो पहला एग्जांपल यही आकर रुक जाता है कि हम आपके साथ इसी धंधे के साथ ही बैठे हुए हैं. जब हमने हमारे फोर्थ फादर ने पैसा लगाया था उस वक्त बहुत छोटा अमाउंट होगा, लेकिन जब जनरेशन सेकंड जनरेशन आई और थर्ड जनरेशन हम लोग आए तो लाइव कैटल हम सप्लाई करते थे जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर थे, क्योंकि ये एक्सपोर्ट हो रहा है काफी इस अराउंड 40 इयर्स से. ये ऑलरेडी काफी ह्यूज अमाउंट में एक्सपोर्ट हो रहा है, और 1980 से ये एक्सपोर्ट हमेशा ग्रोथ की तरफ गया है, जिसमें गवर्नमेंट भी काफी हद तक सपोर्ट करती है हर चीज के अंदर, क्योंकि ये एग्री प्रोडक्ट बिजनेस है और डायरेक्ट फार्मर से टच है. और ये सब लोग जानते हैं जो एनिमल्स है जो रियरिंग करते हैं वो कोई प्राइवेटाइज तो करते नहीं है, जैसे हम लोग एनिमल की रियरिंग नहीं करते हैं. एनिमल को किसान जो पालते हैं वो दूध के लिए पालते हैं, और बफेलो जो एनिमल है इसके अंदर मिल्क में फैट परसेंटेज ज्यादा है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी डेयरी है, अमूल है, मदर डेयरी है, और भी काफी डेयरी है जो कि फैट एक्सट्रैक्ट कर कर फिर मार्केट के अंदर आपके और हमारे पास आता है. इसकी फैट परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से और मिल्क की डिमांड होने की वजह से और मिल्क प्रोडक्ट की डिमांड जितनी बढ़ती जा रही है उतनी ही किसान भैंसों को पालने में, किसी के पास कभी एक थी तो आज 20-20 है, 25-25 है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपना एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है डेयरी प्रोडक्ट वाले, मिल्क एंड डेयरी,
तो उन्होंने हर गांव गांव और डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज सारा मिल्क कलेक्शन के जो पॉइंट बनाए हैं, तो जानवर का जो मिल्क निकलता था उस वक्त इतनी डिमांड नहीं थी, और गवर्नमेंट ने जब फैसिलिटीज दी कोल्ड चेन के अंदर चिलिंग प्लांट बनाए, हर 50 किलोमीटर पर एक चिलिंग प्लांट है जो हर गांव को कनेक्ट करता है, और हर गांव के चार चार गांव को एक हॉस्पिटल वेटनरी हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट डॉक्टर है जो कि जानवरों की टाइम टू टाइम पूरी ट्रेसिबिलिटी होती है, वैक्सीनेशन होती है। तो अल्टीमेटली जो दूध पहले नहीं मिलता था और नहीं बिकता था, जब दूध बिकने लगा तो फार्मर्स ने उसकी डाइट प्लान करना शुरू करी, क्योंकि डॉक्टर्स उनके पास मौजूद रहने लगे। जब डाइट प्लान मौजूद हुआ और सब लोगों को वैक्सीनेशन मिला टाइम पर, सब चीज होने लगी गवर्नमेंट की हेल्प से, तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने लगा। और जब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो बफेलो की कॉस्ट भी बढ़ने लगी। जब बफेलो की कॉस्ट बढ़ने लगी तो स्लॉटर हाउस भी बढ़ने लगे। स्लॉटर हाउस बढ़ने लगे तो उसकी जानवर की कॉस्ट रीसेल वैल्यू जिसको बोलते हैं किसान को, तो वो मिलने लगी। तो इसीलिए जो हमारे फोर फादर कहते थे, हमने इसका नाम रखा ट्रिपल के, इसको हम ट्रिपल के बोलते हैं। वो क्या होता सर? ट्रिपल के होता है किसान खेती कीमत, ट्रिपल के, इट्स कॉल्ड ट्रिपल के। और ट्रिपल के जब तैयार हो जाता है तो ये एक ब्लैक गोल्ड हो जाता है, जो कि हमारा ब्रांड भी ब्लैक गोल्ड है। ये हमारे फोर फादर कहते थे इसको काला सोना, मेरे दादा तो उसको बोलते थे ये काला सोना है। दो तरीके का सोना होता है, पीला सोना है काला सोना। पीला सोना तो आपके पास सबके पास है, लेकिन आपके पास काला सोना नहीं है, शहरवासियों के पास काला सोना नहीं होता है, ये सिर्फ किसान के पास होता है। इसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड, जो अपनी संपत्ति और पूंजी इसमें तब्दील करते हैं, और उसको रेयरिंग करने के लिए फैमिली के मेंबर्स ही होते हैं, कोई आउटसोर्स नहीं करते हैं उसको। बच्चे और जितनी लेडीज होती हैं वो अपने खेतों के अंदर ही ले जाती है, इसीलिए इसका ट्रिपल के नाम रखा गया, किसान खेती कीमत। सर तो मैं किसान खेती कीमत, तो वाजिद भाई मैं समझा आप लोगों की, हम ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं इट इज रिलेटेड विद यू नो किसान हुए यू नो एंड इट्स पार्ट ऑफ इंटरनल जो एग्री सिस्टम है उसका है। बट मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ सर कि इसमें रेगुलेशंस क्या कुछ है, बिकॉज आर यू गवर्न्ड बाय सम बॉडी इन इंडिया, यू नो जिस तरीके से आप धंधा करते हो अपना, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू यू नो जस्ट थिंक अबाउट कि चलो कल को धंधा ये चालू कर लेता हूं मैं। तीसरा कि यू नो इज इट इलीगल इन इंडिया नॉट, किस तरीके से? इलीगल तो नहीं है, अगर इलीगल होता तो एक्सपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट नहीं होता तो डॉलर नहीं आते, और इतना टैक्सेस जनरेशन है, वो आपके पास सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं हमारे एचएमए के, और जो रेड आपका डीएचओ का रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर सारी चीजें डिटेल में है, हर चीज एकदम डिटेलिंग है। अगर धंधा इलीगल होता है तो शायद वो नहीं एक्सपोर्ट हो पाता है, और एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट हमारी अथॉरिटी है अपेडा, जो कि हर प्लांट की कैपेसिटी लॉक्ड है कि आपको पर डे इतनी एक ईच प्लांट की कैपेसिटी मेंशन है, इतने आप परमिशन मिलती है एक्सपोर्ट करने की, और वो जो परमिशन मिलती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मिलती है जिसके अंतर्गत अपेडा आता है, और अपेडा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है और एमओएफपीआई भी है, हमारे तीन डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के, एमओएफपीआई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड सेकंड इज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फिशरीज डेयरी, वो भी हमारे में रिलेटेड है। एक अपेडा है जो कि सिर्फ हमको पर्टिकुलर अपेडा जो डिपार्टमेंट है वो हमको कंटिन्यूसली वॉच करता है, अपडेट करता है, और अदर कंट्रियों से जितनी भी डिमांड आती है वो थ्रू अपेडा ही आती है, और हमारा 43 कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स है जो कि उन कंट्रियों से प्लांट अप्रूव्ड है, सारे प्लांट डॉक्यूमेंटेशन बीआरसी हैसेप आईएसओ सब उनको मैंडेटरी है, वो सारे अप्रूव होते हैं, अप टू डेट, और पोजीशन से परमिशन होती है, नगर पंचायत की होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, डीएम पर प्रशासनिक होती है, फायर की होती है, सारे डिपार्टमेंट की 32 एनओसीज है जो हर यूनिट को लेना मैंडेटरी है। उसको लेने के बाद फिर हमको अपेडा मिलता है, एफएसएसएआई मिलता है,
अपेडा जो होता है वो एक्सपोर्ट के लिए है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है फॉर एक्सपोर्ट। तो टाइम टू टाइम जितने भी गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट होते हैं वो हमको अपडेट करते हैं, नोटिफिकेशन है वो हमको अपडेट करते हैं, जो जितने भी रेगुलेशन और रूल्स आते हैं वो हमको अपडेट करते हैं, और उसको फॉलो करते हुए हम सारे काम को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें की सारी परमिशन सब आपके पास हमारी अप टू डेट है। और सबसे मेन बात जो आती है कि इसके धंधे में इतना दिक्कत सुनाई देती है लेकिन होता कुछ नहीं है, ये आप भी जानते हैं। हमारे मीट के धंधे में बहुत मुख्तसर से लोग हैं, 10 लोगों में ये इंडस्ट्री, मोस्टली जो टॉप 10 है वो वॉल्यूम सब टॉप 10, 85% टॉप 10 में ही हो जाता है। और इसके अंदर सबसे अहम बात जो आती है फार्मर से कनेक्शन, जैसे हमारा फोर्थ जनरेशन है, डायरेक्ट फार्मर से कनेक्शन है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपोर्ट जो भी आती है वो सबसे अहम दिक्कत है इसके अंदर। रॉ मटेरियल को जो जब तक आप पूरा किसानों से टच में रहते हैं, अब 2023 में अभी हम बात करें जून में, तो हमारी इस साल दिसंबर तक की रॉ मटेरियल की प्लानिंग हो चुकी है, और जैसे ही दीपावली का वक्त आएगा उस वक्त हम 2024 की फार्मर्स के साथ प्लानिंग कर लेते हैं, बिफोर दीपावली या आफ्टर दीपावली। नहीं मैं समझा सर, सो आई अंडरस्टूड के इस धंधे में रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट बॉडीज बहुत ज्यादा है, सो ये ऐसा धंधा नहीं है कि कोई भी कल को बोले कि चालू कर देता हूं मैं तो कभी भी चालू कर देगा, राइट? ये ऐसा नहीं है, तो कल को ये नहीं होने वाला कि कल को मैं बोलूं कि बस मुझे ये आपके बिजनेस में जाना है, सो इट इज नॉट इजी एट ऑल बिकॉज आई नीड एवरीथिंग। सो आप रॉ मटेरियल की जो सोर्सेस है वो नेचुरल है, yes. आप समझिए सबसे मेन बात है नेचुरल रॉ मटेरियल सोर्सेस। सर तो आपके प्लांट की पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, मतलब आपने अपडेटा बोला राइट, बिकॉज वेरी क्रिटिकल, मतलब कल को मालूम चले यू नो अगेन सॉरी टू से बट कुछ ना कुछ और गड़बड़ हो गया प्लांट में, या यू नो प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर के साथ नहीं हुआ, ऑल दोस थिंग्स, मतलब जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी फार्मा कंपनी के साथ बात कर रहा हूं। अभी जैसे आपने सही सवाल पूछा, हमारे इंटरनल मंथली ऑडिट होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, इन हाउस ऑडिट, और इसके बाद हमारा सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है FSSAI जो रेगुलर अपडेट करता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त FSSAI है, वो मॉनिटरिंग करता है एवरी मंथ उनको मॉनिटरिंग करना है आपने कितना प्रोडक्शन किया, कितना एक्सपोर्ट किया डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो डाटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में अपडेट करती है FSSAI, तो वो एवरी मंथ उनका ऑनलाइन सिस्टम भी है और उनका एक रजिस्टर भी मेंटेन होता है हमारी फैक्ट्री में, डेली प्रोडक्शन डेली एक्सपोर्ट। नहीं गॉट इट सर, गॉट इट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सर थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में बताइए ना, एज आई सेड हमारे पास कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है जो आपके बिजनेस में है, यू नो वेंकीज करके है यू नो, बट वो मेरे ख्याल में यू नो अलग प्रोडक्ट में है, सो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ मीट एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया। अगर आप थोड़ा सा मुझे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताएंगे कि वेयर डू इंडिया स्टैंड यू नो इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल, बिकॉज आई थिंक आपका 100% एक्सपोर्ट होता है इस समय डोमेस्टिक, 100%। तो अगर मैं देखूं कि इंडिया टोटल कितना एक्सपोर्ट करता है बाहर, बाहर कितना डिमांड है, कितना बड़ा मार्केट है, अगर थोड़ा सा वो समझ जाए तो अच्छा रहेगा सर। ये आपको CFO साहब समझाएंगे वो डिटेल में आपको, क्योंकि ये डिजिट का मैटर है, वो आपको पूरा एक्सपोर्ट का डिजिट का कंट्री का अदर कंट्री का जो भी रिक्वायरमेंट है और जो डाटा है वो मिस्टर गुलजर आपको बताएंगे। सर आप म्यूट के गुलजर भाई। जी वीरेंद्र भैया आवाज आ रहा है आपको मेरा? यस 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 वी कैन हियर यू। इट वाज अ गुड इंटरेक्शन, आई थिंक आपको एक ओवरव्यू हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड और इंडस्ट्री के रिलेटेड मिला होगा। आपके जो कुछ क्वेश्चंस थे तो वो मैंने भी नोट डाउन किए थे। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि धंधे में इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। मुझे भाई बिकॉज़ यू नो वी वांट टू मेक दिस यू नो टाइट, मैं उसको एक छोटा सा एग्जांपल देके ना आगे बढ़ूंगा। ओके लेमैन एग्जांपल दूंगा जो अगर आप भी देख रहे हैं, आपके व्यूअर्स भी देख रहे हैं, तो उनको एक आइडिया पता लगेगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, वी ऑल पीपल वर्क,
हम लोग सब काम करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, एवरीवन इज वरीड अबाउट इट्स फूड सिक्योरिटी. हम लोग कोई भी काम करते हैं, मंथली आप एक शायद प्लानिंग करते होंगे, दिस इज फॉर माय फूड, दिस इज फॉर माय लग्जरी, दिस इज फॉर माय लेजर. तो उसमें हम सारी चीजों में जब प्लान करते हैं तो यू हैव सर्टेन अमाउंट फॉर योर फूड कि मेरे को ये घर में खाना है, ये रेस्टोरेंट में खाना है, ये पार्टी में खाना है, ये ऐसे करना है. और दुनिया का पॉपुलेशन 800 करोड़ है और 800 करोड़ में आपको 60-70% पीपल का जो फूड हैबिट है वो है रेड मीट. इफ वी टॉक अबाउट द ग्लोबल परस्पेक्टिव, 60-70% लोग सिर्फ मीट खाते हैं. इन देयर ब्रेकफास्ट दे ईट सॉसेजेस, दे ईट सलामीज, दे ईट नगेट्स. Then we move to their lunch, तो salad रहता है, ये रहता है, तो everyone need meat. So ये धंधे में growth आप उस हिसाब से देख सकते हैं, एक तो ये है. और दूसरा अगर हम अपने market का बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो world population है ना उसके लिए meat necessity as it's their meal. हाँ, उन लोग के meal में meat होना है. अभी इंडिया के पास लैंड है, ग्रीनरी है, वेदर है, तो हम लोग के पास इधर पॉपुलेशन ऑफ बफेलो है. वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वी आर हैविंग द लार्जेस्ट बफेलो पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. लेकिन अगर हम कुछ कंट्रीज का बात करते हैं, इफ वी मूव टू मलेशिया का अगर हम बात करते हैं, इंडोनेशिया का अगर हम बात करते हैं, इजिप्ट का हम बात करते हैं, और जितना जीसीसी कंट्रीज है उनके पास ये नहीं है, बट दे आर फूड हैबिट, दे नीड मीट. उनका डिपेंडेंसी हम लोग के ऊपर है और जहां ये कैटल अवेलेबल है उसके ऊपर है. ये मार्केट अभी हम लोग राइट नाउ वी आर सर्विंग ऑलमोस्ट 40-42 कंट्रीज. इनिशियल ये पैचेस हैं जहां इंडियन मीट अलाउड है वहां हम लोग का ये माल अभी जाता है. और जैसे जैसे आप देखेंगे कि ये सेक्टर में ग्रोथ होगा, इट विल बी स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स यूरोप, बिकॉज यूरोप में अभी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से फाइट कर रहा है. उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो डाउन हो रहा है. सही है. उनका जो अपना कंजम्पशन था, नाउ दे आर कटिंग देयर पॉकेट साइज एंड देयर स्पेंडिंग. तो पहले अगर आप देखेंगे, अगर कंपेरिजन करेंगे आप, तो उन लोगों का फूड प्राइस बहुत है. और ड्यू टू अभी इंडिया में हम लोगों के यहाँ इतना बफेलो का मीट यूज नहीं होता, तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा प्राइस कम है. उन लोग का ऑलमोस्ट $6 है, हम लोग का $3 है. तो ये नेक्स्ट मार्केट हमारा यूरोप है. अभी अभी मार्केट साइज कितना है गुलजीत सर? अभी अगर हम लोग टोटल बात करें, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है वो तकरीबन आपका 26,000 से 30,000 करोड़ का एक्सपोर्ट रफली ये है बफेलो मीट. ये इंडिया से होता है, राइट? इंडिया से होता है. इंडिया विल बी हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल से ग्लोबल कंजम्पशन? बिकॉज ग्लोबल कंजम्पशन का आप बात करेंगे तो मेरे हिसाब से $30 बिलियन का मार्केट है मीट का. अगर आप बात करेंगे 30 बिलियन $1 बिलियन 8,000 करोड़ मोटा मोटा होता है, तो आप बोल रहे हो 2.5 लाख 30 में 3,000 बिलियन का अगर आप फूड कंजम्पशन देखेंगे ना इसमें, जी, तो ये 3,000 बिलियन के आसपास का मार्केट समझिए आप. जो अपना भी उन लोग का प्रोडक्शन होता है, फिर वो लोग इंपोर्ट भी करते हैं, उसमें फैंसी मीट भी होता है, फिश भी होता है. इंडिया में कितना जो एक्सपोर्ट वाली प्रोडक्ट है सर, हाउ मच डज इंडिया एक्सपोर्ट यू नो मीट? अगर मैं बोलूं बफेलो मीट बोलूं तो लाइक इज इंडिया रियली फोकसिंग ऑन द एक्सपोर्ट? और क्या आपने देखा कि इंडिया से एक्सपोर्ट जो है बफेलो मीट का लास्ट 5 साल से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बिकॉज टू बी ऑनेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस द गवर्नमेंट, साल का अगर हम बात करेंगे तो एक तो कॉन्स्टेंट ग्रोथ है आपको, और फिर 2-3% हर साल इंक्रीज होता है. इंडिया के अंदर अभी ट्रेंड नहीं है बफेलो मीट को यूज करने के लिए पैक्ड, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्ट जस्ट मीट नहीं है, हम लोग बफेलो को फ्रोजनली पैक करके उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं. तो यू कैन कीप आवर प्रोडक्ट फॉर 2 इयर्स. इंडिया में जो ट्रेंड है वो फ्रेश ईटिंग का है. नहीं, मैं बोला कि सर, मैं बोला था कि बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे बोला आप लोगों ने कि भैया कंड्यूसिव है, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इंडिया से कितना बफेलो मीट एक्सपोर्ट होता है और लास्ट 5 साल से कितना ग्रोथ आ रहा है. सो वी विल अंडरस्टैंड कि चलो यार कि क्या गवर्नमेंट भी उसको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा. अभी इंडिया में अगर आपको गवर्नमेंट का हेल्प देखना है तो अगर आप एग्री प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट देखेंगे, यू विल फाइंड बफेलो मीट एट number 2 और number 3. number 1 इज बासमती राइस. देन यू विल फाइंड बफेलो मीट एट number 2 और number 3. इट्स डिपेंड ऑन द फिश, राइट? अगर फिश का कैचिंग अच्छा हुआ है, सीजन अच्छा गया, तो फिश number 2 पे आ जाता है, अदरवाइज मीट number 2 या number 3 पे रहता है.
सर तो हमारे जैसे आपने बोला ये इंडस्ट्री छोटी है राइट, अंशिका प्लीज बी फ्री टू चिप इन ओके व्हेनेवर यू वांट, ठीक है मैं कुछ भी पूछता रहूंगा यू नो। तो आपने बोला कि 8-10 कॉम्पिटिटर्स होते हैं आपके, आपने बोला कि इंडिया से 30-35 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट होता है राइट, 26 और 30 के बीच में है, 25 से 30 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट होता है आपने बोला, ठीक है मोटा मोटा जो नंबर बोला आपने, 25-30 हज़ार करोड़ में और कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है सर आपके, जैसे आप एक एचएमए हुए, वी आर द टॉप थ्री, वी आर इन टॉप थ्री एक्सपोर्टर्स। आपका मार्केट शेयर कितना सर? हम लोग का अगर आप मार्केट कैप इंडियन एक्सपोर्ट से देखेंगे तो वो 10-11% जाता है। टोटल एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया इज 110 समथिंग एक्सपोर्टर्स आर देयर इन इंडिया। तो जो टॉप 1 और 2-3 की जो आप रैंकिंग देखेंगे, जैसे 10% 12% मेरे पास है और 13-14% जो सेकेंड कंपनी रहती है उसके पास है, और जो फर्स्ट कंपनी है उसको ऑलमोस्ट अगर आप चेक करेंगे तो 22 से 27 के बीच में रहता है, 60% मतलब ये जो टॉप थ्री एक्सपोर्टर है हम लोग 60% शेयर कवर करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द 95 पीपल दे ओनली डू 40%। व्हाट आर द नेम्स सर, इफ यू कैन टेल अस, वो जो 2-3 लोग हैं आपके साथ साथ? एक तो शायद अलाना ग्रुप है, एक फेयर एक्सपोर्ट है। These are not Indians, right? Elana तो मेरे ख्याल में दुबई वाला, right? नहीं, उनका एक सब्सिडियरी उधर भी है लेकिन वो इंडियन है। वो लोग थोड़ा गोल्ड वगैरह भी करते हैं एक्सपोर्ट, अभी हम लोग गोल्ड स्टार्ट नहीं किए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अपकमिंग ईयर, सो हम लोग का शेयर उसमें और आएगा। सर जो आप एक्सपोर्ट करते हो, जो आपने बोला कि बिना टोटल 25-30 करोड़ मार्केट साइज है, एंड आई थिंक आपका जो सेल्स है लास्ट ईयर जो रिपोर्टेड नंबर है FY23 का 3,200 करोड़ समथिंग है, 3,200 करोड़ सेल्स है जो आपका जी। ये रिवेन्यू में मेरा 95% एक्सपोर्ट सेल ही हो, वी आर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बाय द। तो 3,200 करोड़ आपका जो सेल्स है, इसमें बता सकते हो सर कि कौन सी कंट्री को कितना जाता है? ये तो मेरे को प्रॉपर ग्राफ देखना पड़ेगा, बिकॉज वी एक्सपोर्ट अराउंड 3,000 कुछ के ऊपर कंटेनर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, आवर मेजर मार्केट्स आर मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया रीजन इज देयर, GCC रीजन इज देयर, सो हम लोग का प्रेजेंस है 3-4 कॉन्टिनेंट में, हम लोग माल बेचते हैं, तो उधर ऐसा नहीं है कि एक कॉन्टिनेंट। भाई एक बात बताइए, ये आपने इस साइड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बताई, इज देयर एनी स्पेसिफिक इशू कि आप US यूरोप को भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, लाइक इज इट अ बैंडविड्थ इशू और क्वालिटी इशू, व्हाट इज आवर मेन प्रॉब्लम? देयर इज नो क्वालिटी इशू, US इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट, यूरोप इज ऑल्सो हैविंग देयर ओन प्रोडक्शन फैसिलिटीज, बट ड्यू टू सम वेटनरी प्रोटोकॉल साइन बिटवीन बोथ द कंट्रीज इट इज नॉट अलाउड टू बी मेक शिपमेंट राइट नाउ, बट बोथ द कंट्रीज एंड बोथ द वेटनरी अथॉरिटीज ऑफ बोथ द साइड्स आर इन नेगोशिएशन एंड वी होप विद इन 2-3 years इट विल बी स्टार्ट, बिकॉज उन लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हो चुका है, देयर प्राइजेस आर $6-7 पर kg, इंडिया वी आर एट $3, सो ये उनका मजबूरी है हमसे अब माल लेना। तो हम अभी US यूरोप को कुछ नहीं करते हैं, US और यूरोप को कुछ नहीं एक्सपोर्ट करते हैं अभी हम? नहीं नहीं, अभी इंडिया से कोई एक्सपोर्ट नहीं करता, कोई भी नहीं करता। और चाइना से, चाइना में जाता है माल? चाइना अभी डायरेक्ट माल नहीं जाता, इट इज अंडर द WTO नेगोशिएशन, क्योंकि उसने बहुत प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं चाइना ने इंडिया के, तो उनको भी जरूरत लगेगा, बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई वी डोंट एक्सपोर्ट टू US एंड यूरोप, बिकॉज ऑफ द वेटनरी प्रोटोकॉल नॉट येट साइंड बिटवीन बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड US। अगर आपको कहीं भी कोई फूड आइटम भेजना होता है तो उनका साइटो जैसे सैनिटरी रूल्स वगैरह होता है, ऐसे ही एनिमल हेल्थ का रूल होता है, तो उस कंट्री का रूल और इंडिया का रूल को मैच कराना होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी सोर्स है, यू हैव डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो वो दोनों कंट्री कभी भी एक पॉइंट पे नहीं आते, लेकिन जब उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाता है तो वो लोग फिर एक प्रॉपर एग्रीमेंट में बैठते हैं। तो आपने जैसे बोला, वाजिद सर ने समझाया कि भैया कि जो भी सारे रूल्स रेगुलेशंस अपेडा हुआ, FSSAI हुआ, सब आप लोग करते हो, सब चेक्स करते हो, सब मैंडेटरी होता है सारे का सारा कुछ, राइट? पॉलिसी मैटर बता रहा हूँ मैं आपको, जो एक्सपोर्ट का होता है ना, एक कंट्री से कंट्री, ये कंट्री टू कंट्री पॉलिसी मैटर होता है। तो इंडिया से कोई भी US, यूरोप, चाइना एक्सपोर्ट नहीं करता अभी तक? नहीं, अभी नहीं करता।
Wow, that's crazy. गुलजर भाई एक और था ना, आई मीन आई थिंक ब्राजील से भी एक्सपोर्ट बैन हो गए थे चाइना के, उसकी प्लस पॉइंट फॉर अस एक्चुअली, वो प्लस पॉइंट है. ब्राजील इज द लार्जेस्ट सप्लायर फॉर चाइना, बट ब्राजील के अंदर एक डिजीज होता है, उसको बोलते हैं BSE. बिकॉज ऑफ दैट ब्राजील ने अपने आप को भी, चाइना ने ब्राजील को सस्पेंड किया. तो ये अगर चीजें रहती हैं तो फिर चाइना हैज टू डिसाइड न्यू सोर्स कि अब मेरे को कहाँ से प्रोक्योर करना है. तो इन चीजों में फिर दो कंट्रीज बैठ के बात करते हैं, वो ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन होते हैं तो और सप्लाई शुरू. तो सॉरी गुजरात सर, तो आप थोड़ा मुझे आपके बिजनेस के बारे में बताइए ना, कि आपका धंधे में पैसा कैसे बनता है, आपको कैपेसिटी कितना है, आपका कितना यूज किया हुआ है ये जो अभी हम लोगों का. अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ कि पूरा का पूरा फंडरेजिंग जो कर रहे हो किसके लिए कब कर रहे हो, क्योंकि तो आप 3,200 करोड़ का नंबर बता रहे हो. आप बोलो कि इसमें US हुआ, यूरोप हुआ, चाइना ही नहीं है, तो आई एम मोर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड कि आपका ये नंबर कहाँ से आ रहा है. वन सेकेंड, आपके पास कैपेसिटी कितना है, बिकॉज आई थिंक आपने थोड़ा कैपेक्स भी ऑलरेडी किया लास्ट कुछ सालों में किया हुआ है, और फिर पैसा क्यों उठा रहे हो, क्यों रेस कर रहे हो पैसा, तो वो थोड़ा धंधे के बारे में समझा दीजिए कि आप पैसा कैसे बनाते हो. अभी हम लोगों का जो कैपेसिटी था, अगर हम बात करते हैं आपसे 2020-21 का, तब हम लोग के पास कैपेसिटी था ऑलमोस्ट 2 लाख मेट्रिक टन का पर एनम. अभी अगर मैं आपसे बात करूं दिसंबर 2022, तो हम लोग का कैपेसिटी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर मैं बात करूं तो 4 लाख पर एनम का है, 4 लाख मेट्रिक टन पर एनम का. तो हम लोग के पास ऑर्डर्स ऑलरेडी रहते हैं मार्केट से, बट वी वर नॉट एबल टू सप्लाई देम बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. फिर हम लोग वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ड कर लिए हैं. अभी जो भी हमको ये पैसा चाहिए वो वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए. ये हमने इसलिए प्लान किया, मैं आपको थोड़ा सा 1-2 साल पीछे ले जाना चाहूंगा. हम बात करते हैं कोरोना पीरियड का. वो कोरोना पीरियड में जब पूरा दुनिया बंद हो गया था, आपने देखा होगा कि 10 या 12 दिन के बाद पूरे वर्ल्ड ने एक अनाउंसमेंट निकाला, ओनली फूड बिजनेसेस आर अलाउड टू बी ऑपरेट. सेम इंडिया में भी निकला था, सारा चीज बंद था. हम लोगों को ऑर्डर दिया गया कि अगर आपका फूड बिजनेस है, यू कैन इजिली सेंड योर गुड्स, यू कैन इजिली मूव योर ट्रक, सब कुछ रोड पे चल रहा था. हमारे इंडिया के पास ऑलरेडी फूड है, हम लोग का अपना वीट है, राइस है, वेजिटेबल्स है, मीट है, सब कुछ है. लेकिन मैं बात करता हूँ आपसे वो कंट्री का जिसका डिपेंडेंसी इम्पोर्ट के ऊपर है, मलेशिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट और जितना GCC का कंट्री है, कुछ साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री, उन लोग के पास अपना फूड नहीं है, दे नीड इम्पोर्ट. कोविड आने के बाद हर कंट्री का अगर आप गूगल करेंगे ना, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट देयर फूड सिक्योरिटी. सबको चाहिए कि यार मेरे को कम से कम 1 साल का तो अपने पास स्टॉक रखना है. तो उन लोगों ने क्या किया, सब ने अपना एक पॉलिसी फ्रेम किया कि हमको इतना मिनिमम इंपोर्ट करना है. अगर प्राइवेट प्लेयर करते हैं ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट करेगी. तो पॉलिसी मैटर है. अभी मैं माना कि हर कंट्री को फूड सिक्योरिटी चाहिए, बट कल को इंडिया और चाइना के पॉलिसी मेकर्स ही नो प्रॉब्लम है, तो क्या करोगे यार. We are exporting in 42 countries and China is still in not our flag. No, no, so that is why I wanted to understand the capacity and the way you make money, you know, because wo zaruri hai. I understand your food security point of view, which is important. थोड़ा आप मुझे capacity के बारे में थोड़ा सा सबको views को बताइए sir, थोड़ा सा वो. अभी जो हमारा capacity है वो 4 लाख metric ton per annum हम लोग in-house produce कर सकते हैं. और अगर global demand का बात करेंगे अभी, तो वो global demand डेली इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. इसमें कितना यूज करते हैं अभी, व्हाट इज द कैपेसिटी. वी आर ओनली यूटिलाइजिंग 1,25,000 मेट्रिक टन. तो अभी तो मतलब हम लोग कितना सर कुछ भी नहीं कर रहे यूज जी. इसलिए हम लोग को वर्किंग कैपिटल चाहिए अभी, जिससे कि हम लोग अपना सेल्स और फास्ट कर सकते. अच्छा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सारा चीज रेडी कर लिया, अब वर्किंग कैपिटल रहेगा तभी आप सेल्स कर सकते हैं, बिकॉज ये एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, इसका पेमेंट साइकिल 30 डेज का. अच्छा सॉरी, कैन यू हेल्प अस टू एक्सप्लेन द बिजनेस इकोनॉमिक्स. आपको कितना पैसा पर बफेलो में बोलूंगा या पर प्रोडक्ट बोलूंगा मैं, किस तरीके से क्या यूनिट मैट्रिक्स यूज करते हैं धंधे में पैसा बनाने के लिए. हम लोग अभी जो सेल्स करते हैं अपना, वो मैट्रिक टन पे सेल करते हैं, और ईच आइटम का प्राइस अप एंड डाउन होता है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर डिमांड एंड सप्लाई. अगर मैं आपसे रफली बात करूं तो मेरा जो अभी कॉस्ट में आपको बताऊंगा, $3 सेल्स प्राइस है मेरा.
उसके अंदर मेरा जो कॉस्टिंग है $3 पर क्या हो गया सर ये पर केजी $3 अपना मैंने आपको एवरेज प्राइस दिया। वी आर सेलिंग जो प्राइम कट्स होते हैं वो जो 3.7 भी जाता है और जो लोअर सेकेंडरी कट्स होते हैं वो 2. समथिंग भी जाता है। ये $3 के अंदर अगर मैं आपसे बात करूंगा मेरा रॉ मटेरियल और एक्सपेंसेस वगैरह ये सब 90-92% में कवर हो जाता है। फिर थोड़ा सेल्स मार्केटिंग वगैरह 1-1.5% उसमें आता है, 7-8% अपने को रहता है अंदर। अगर इफ यू टॉक अबाउट माई एबिटा इट समवेयर 6.8 एंड आवर टारगेट इज टू टेक दिस एबिटा इन नेक्स्ट 2 इज 7.5-7.8। ओके बट सो इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली व्हेन प्लीज करेक्ट मी, तो आपका वॉल्यूम का बिजनेस है? वॉल्यूम वी नेवर सेल 1 kg, आवर मिनिमम ऑर्डर इज 28,000 kg। नहीं तो आप बोल रहे हो कि आपका जो है वॉल्यूम का बिजनेस है और आगे जाके कुछ भी हो जाए आपका एबिटा मार्जिन 7.5-8% के आसपास रहेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता राइट? और एबिटा मार्जिन फूड आइटम में ना आपको एबिटा ऑलवेज इंक्रीज ही होगा क्योंकि फूड सप्लाई नेचुरल होती है, उसकी डिमांड अननेचुरल होती है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा आपको डिमांड ज्यादा आएगा। ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है मैंने ये आज पेन खरीदा तो मैं उसको 1 हफ्ता तक यूज कर सकता हूँ, 1 महीना यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई फूड आइटम परचेज किया आई हैव टू कंज्यूम इट इन टाइम लिमिट एंड देन आई अगेन नीड इट। एक चीज समझाइए हमें और हमारे व्यूअर्स को, ये जो आपने 1.25 लाख मेट्रिक टन बोली, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बफलोस पर डे, यू नो आई मीन बिकॉज आपका तो ये जो आपने 1.25 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी बताई जो सेल्स वॉल्यूम है, दिस इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बफलोस पर डे, आई मीन मोटा मोटी हम पर डे कितनी बफलोस प्रोक्योर करते हैं? पर डेज का बफेलो का कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते क्योंकि हर आइटम का जो कैलकुलेशन है ना, इफ यू वॉन्ट ओके आई वॉन्ट दीज पार्ट ओनली, आई वॉन्ट दीज पार्ट ओनली एंड आई वॉन्ट पैकिंग लाइक विथ फैट कंटेंट इतना, विथ फैट कंटेंट इतना, तो वो रफली कैलकुलेशन आप ऐसे जज नहीं कर सकते। हम लोग का जो मेन यूनिट होता है ना मेजर करने के लिए वो पर टन में ही होता है। हम अगर ऑर्डर भी प्रोक्योर करते हैं वो पर टन नहीं, आप रॉ मटेरियल में तो बफलोज ही ले रहे हैं ना, आप उनको स्लॉटर कर रहे हैं? नो लाइव बफेलो ईच एंड एवरी कैटल हैज टू कम, देन वी हैव टू चेंज देयर शेप टू मेक आवर प्रोडक्ट। वी आर नॉट सेलिंग कार्कसेस हियर, वी आर सेलिंग डीबोन मीट, so it has to be measured in kgs only. sir ये सबसे ज़्यादा selling price कितना गया था? $3 आप बोल रहे हो, सबसे ज़्यादा और सबसे कम कितना गया था? मतलब हम आज इंडिया में तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, तो आपको $3 बाहर ही बेचते हो ना? नहीं नहीं आप इंडियन प्रोडक्ट का प्राइस पूछना चाहते हैं या कंपैरिजन टू अनदर प्रोडक्ट? नहीं मैं तो आपका प्राइस पूछ रहा, आपने बोला कि तीन लोग का प्राइस रेंज जो है 3.8 से $3 तक रहेगा। दिस इज द प्राइस रेंज currently which we saw in last few years. COVID time में ये price कितना dip किया था? COVID time में up किया था? वो हम लोग के ऊपर था कितना चार्ज करना, because nobody has the production that is smooth. वो जो stock थी लोगों के पास उन्होंने फिर अपने prices से, क्योंकि transportation की cost बढ़ चुकी थी, because transportation was not that smooth. और जो ओशियन फ्रेट थे वो इंक्रीज हो चुके थे, तो वो प्राइस ऊपर ही गया था। आई थिंक हर फूड आइटम का प्राइस इंक्रीज हुआ था कोविड टाइम। थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल साइकिल में बताइए, आपके धंधे में वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना टाइम होता है? आपको पैसा आता है कि नहीं आता? 30-35 days, और हम लोग को पैसा कंटेनर पोर्ट पे पहुंचने से पहले आता है, अदरवाइज वो डिलीवरी जो है ना वो नहीं ले पाता। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम लोग बैंक से कलेक्शन करने के लिए भेजते हैं, या फिर वो डॉक्यूमेंट्स को क्लाइंट को तभी हैंड ओवर किया जाता है व्हेन ही पेड मी 100%। और ये हाईली पेलिशेबल प्रोडक्ट होता है, तो सारे लोग पेमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करके रखते हैं, क्योंकि अगर वो पोर्ट में कंटेनर छोड़ेगा तो उसको चार्जेस है, तो वो हमको पहले पे करता है जिससे कि उसके पास टाइम हो उसको प्रॉपरली वो हैंडल करे, क्योंकि ये -18 में स्टोर होता है ना, उसका कॉस्ट होता है स्टोर करने के लिए।
तो 35 डेज में हमको पैसा वापस आता। वाह। और सर जो आपका 3,200 करोड़ का सेल्स बताया, कैन यू हेल्प अस कि उसमें कौन कौन से और प्रोडक्ट्स होते हैं कि मेजरली बफेलो मीट है? मेजरली 89% सेल्स अभी हम लोग बफेलो मीट से करते हैं। वी हैव एडेड फ्रोजन फिश प्रोडक्ट इन 2020 लास्ट नवंबर और दिसंबर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द मंथ, बट वो 2021 में हम लोग ने थोड़ा सा ट्रायल शिपमेंट किया था, 2022 में उसको और इंक्रीज किया है। तो अभी हम लोग का टारगेट है फिश बिजनेस को और बढ़ाने का, जिससे कि हमारे जो नेक्स्ट ईयर के सेल्स टारगेट्स हैं, अभी हमको 2024 में इसको 4000 करोड़ करना है अपना सेल्स, 2025 में 4600 से 800 करोड़, ये हमारा सेल्स टारगेट है, और 2026 में मोर देन 5000 करोड़ सेल करना। पर सर ये कैसे हो जाएगा? सॉरी बाकी ये अभी हम लोग अपना दो प्रोडक्ट ऐड किए हैं, फिश ऐड किया है। अगर आप मेरे फिश का देखेंगे तो मैंने 2021 में ऑलमोस्ट 50 कंटेनर सेल किया था, 2022 में मैंने ऑलमोस्ट 150-200 कंटेनर के आसपास सेल किया होगा। तो ये मेरे दो प्रोडक्ट जो ऐड हुए हैं वो मेरे एग्जिस्टिंग बायर्स ही उसके इंपोर्टर हैं, क्योंकि वी सप्लाई देम वन काइंड ऑफ मीट, सो दे ऑल्सो हैव वैरायटी ऑफ मीट, सो दे आर हैप्पी टू बाय फ्रॉम अस। सेम हम लोग अभी राइस ऐड किए हैं। सॉरी मेरा क्वेश्चन क्या है ना सर, कि आपके पास कैपेसिटी ऑलरेडी है, जो आपने बोला कि 1.25 लाख यूज करते हो 3 लाख में से, सॉरी आपने बोला 4 लाख में से 1.25 लाख यूज करते हो, राइट जी। अभी मेरे ख्याल में मेजर इश्यू अगर मैं बोल सकूं ये है कि वो पॉलिसी मैटर्स के रीजन, मेजर इश्यू सिर्फ अपना वर्किंग कैपिटल है। नहीं बट आपको वर्किंग कैपिटल मिल गया सपोज करो, but still you can't export to so many other countries, are you saying the existing countries, 42 countries are there where we are not fulfilling their 100% requirements? Even if China, US, Europe don't start, unka jo bhi order hai that can be fulfilled to other countries, right? Yes, and also there will be extra demand coming every year. Agar main aapko sirf 2-3 country ka example deta hu, Malaysia itself import 1,20,000 to 1,40,000 metric ton in 1 year. This is Malaysia import from India, buffalo meat. If I talk about Indonesia, Indonesia is importing 1 lakh metric ton annually from India. And Indonesia is increasing their another quota for 1 lakh. So Indonesia is going to be 2 lakh metric ton per month. This is only two countries, and we are serving countries like this, 42 countries. सर आई अंडरस्टैंड, चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड द एंथुसियाज्म, बट व्हेन वी सी अलाना'स नंबर, वो अलाना वाला का तो सेल्स मेरे ख्याल में 18 में कुछ 10,000 या 10,500 करोड़ था, अभी 22 में 8,000 करोड़ हो गया है। सो वन ऑफ योर पेयर हैज बीन डीग्रोइंग इन द लास्ट 5 years। दे डू अनदर प्रोडक्ट्स आल्सो, दे डू बफेलो मीट, दे डू मैंगो पल, दे डू सो मेनी प्रोडक्ट्स आल्सो, बट वन ऑफ उन लोग का शेयर अगर आप देखेंगे, अगर मीट से कंपेयर करेंगे तो वो शेयर डाइवर्ट ही हुआ होगा, क्योंकि हम लोग तो अभी इतना नहीं करते थे एक्सपोर्ट। व्हेन यू सी द वी हैव द वन हु अचीव द शेयर। गॉट इट। माय क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सर, एक तो है कि यू आर मेजरली अ B2B बिजनेस, B2B, दिस इज B2B, नॉट B2C, राइट? इज देयर प्लान टू गो टू B2C? B2C कोई प्लान है सर हमारा कि हम B2C में जाएंगे? B2C वी हैव स्टिल नॉट प्लानिंग, बट दिस इज अवर फ्यूचर प्लान वंस वी मूव टुवर्ड निश मार्केट, बिकॉज अवर बिजनेस इज वॉल्यूम बिजनेस एंड वी स्टिल वांट टू फोकस ऑन वॉल्यूम्स। व्हेन यू वांट टू गो टू B2C यू हैव टू बी ब्रिंग डाउन योर सेल्स वॉल्यूम एट लोअर साइड। ओके, तो अगेन सॉरी, बट जब हम पीएस का नंबर देखते हैं सर, तो पीएस के नंबर में कोई भी 5-6% से ज्यादा मार्जिन करता नहीं है पीरियड ऑफ लास्ट 5-6 years। सो एज एस यू सेड कि बॉस मेरे पास कैपेसिटी था नहीं, मैंने कैपेसिटी बना दिया, मेरे पास वर्किंग कैपिटल था नहीं, मैंने वर्किंग कैपिटल का पैसा ले लिया, अभी मेरे पास कैपेसिटी भी है, मेरे पास वर्किंग कैपिटल भी है, एंड देन द ग्रोथ नंबर्स, आई थिंक व्हाट यू आर गिविंग इज 20-25% ग्रोथ ऑन द सेल्स, यू आर थिंकिंग दैट देयर इज इनफ डिमांड इन द वर्ल्ड इवन बारिंग US, चाइना और यूरोप। अगर वो खुल गए तो बहुत अच्छी बात है, यू नो, बट व्हाट कुड बी द लीवर टू इंक्रीज द मार्जिन? विल इट बी कि
more export, more sales, economy of scale? We have a very huge gap between my prices and my competitor prices in global market. We're selling our product at $3 right now, average price. And my global competitor, Brazil, Australia, their minimum average price is $6 or somewhere around $6.5. So we have huge margin here. And also the global trend of purchase is going at downward side. Now people are worried about their income and their expenditure. So पहले अगर मैं आपको एक layman example देता हूँ, when people are earning 2 lakh रुपया उसका salary है, he is going modern bazaar to buy very good Everest bread and all. But अब उसका salary 1 lakh हुआ, what he is doing? He is buying from nearest kirana. वो ब्रेड ही खाता है, लेकिन वो ब्रांड क्या करता है, चेंज करता है. अगर मैं ग्लोबल में बात करता हूँ, वो लोग पहले मीट खाते थे ऑस्ट्रेलियन ब्राजीलियन जो $6 का था, अब उनका पॉकेट साइज उनको अलाउड नहीं करेगा, दे स्टिल वांट मीट, वो लोग मीट खाना नहीं छोड़ेंगे. सो दे आर स्विचिंग टुवर्ड्स इंडियन प्रोडक्ट. गॉट शिखा, एनी क्वेश्चन? गुलजे भाई एक बात बताइए, तो आपके पास प्राइसिंग पावर क्या है? जैसे आपने बोला $3 इज स्टैग्नेंट, आई मीन ऑफ कोर्स इट्स अ वर्ल्ड मार्केट जो प्राइस डिसाइड करती है. No, the price has been decided by demand and supply. This is the one thing. Another thing, in our business, the price, we are the one who decided the price, because we first procure buffalo, then we convert it into our product. So once we have the product, we offer our prices in market. The best competitive prices, we are the one who offer in the global market. Market doesn't tell us the prices. नहीं, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, अलोना है और मेरी, आपने दो तीन नाम बताए. सो कलेक्टिवली इट इज अ कलेक्टिव डिसीजन, यू कांट जस्ट गो अप राइट. एंड एवरी कंपनी हैव इट्स ओन प्राइसेस. लाइक अगर हम बात करते हैं दो फोन की, एक ओप्पो एक आईपिल, ये तो फिर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन जब फूड का बात आता है, पीपल प्रिफर देयर ब्रांड. जो कोक में अगर पेप्सी पीना है, तो पेप्सी वाला अपना प्राइस रखा है. तो फूड आइटम्स में प्राइसेस कंपनी अपना डिसाइड करती है. आपने बोला आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, सो ये 550 crore का जो भी इश्यू साइज है, इसमें थोड़ा सा ओएफएस भी है, राइट? सो ये वर्किंग कैपिटल के साथ साथ आप डेट रेज भी करेंगे, इफ एट ऑल द मार्केट्स आर ओपनिंग, चाइना इफ ओपन, वेस्टर्न मार्केट्स ऑल्सो ओपन, सो वो कितना आप लेवरेज कर सकते हैं, आई मीन फ्रॉम द करंट लेवल? आपने बोला आपको, आपके पास कैपेसिटीज है, आपके पास डिमांड है, बस आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए. सो ये 550 crore का जो इश्यू है, इसमें से 300-350 तो शायद प्रमोटर्स का ओएफएस है, राइट? सो मोटा मोटा अबाउट 200 crore का वर्किंग कैपिटल है. So, ये कितना वर्किंग कैपिटल, हाउ मच विल इट नीड इट, एंड और द अदर वे टू पुट इट, व्हाई आर प्रमोटर्स आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ प्रमोटर का भी शेयर जा रहा है, वो हम लोग के कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, और वो कुछ हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और वो हम लोग चेंज कर रहे हैं, जो मैं ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता. वो हमारे डिस्क्लोज इन दिसंबर व्हेन आवर इन्वेस्टर एंड एवरीबॉडी विल सी दिस न्यू टू अनाउंसमेंट विल बी कम ऑन अगस्त, देन टू न्यू अनाउंसमेंट विल बी कम ऑन दिसंबर. सो वी आर गोइंग टू लॉन्च टू न्यू प्रोडक्ट्स. आर यू सेइंग दिस मनी विल बी रीप्लोड बैक टू द कंपनी, बट इन सेम प्रोडक्ट Same category of food. We are going to add few more products. We are making our company niche and complete food basket. So that we are going to be announced in December. So the promoters are again involving their money in same business. तो आप कह रहे हैं ये जो पैसा है वापस promoters इस company में next 6 to 8 months में they were going to put it back. Okay. Yes. Working start हो चुकी है और and the promoter are still holding very sound share. They only liquidating very small percent. Okay. One second, just very small controversial question, if you can answer it. HMN Agro,
यू नो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है सर, एग्रो एज सच इज टू डू विद मोर और लेस विद फार्म्स एग्री प्रोडक्ट्स, एंड आपने अभी बोला कि अपीडा के साथ भी हमारा पूरा रेगुलेशन एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर ऑफ, सो थोड़ा सा मिसमैच है बताइए. आई मीन ऑफ कोर्स योर बासमती राइस इज वेरी न्यू एंड वेरी स्मॉल बिजनेस. आई गॉट द क्वेश्चन कि मीट और एग्रो. मैं लीव करना चाहता हूँ कि मेरे दूसरा 4:45 पे जूम का कॉल आने लगा. मेरे लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो आप थोड़ा मेरे से 5 मिनट कर लीजिए. CFO साहब आपके साथ रहेंगे. 5 minutes sir, I'll complete the questions within 5 minutes, then we can बुजे भाई के साथ बैठ सकते हैं. तो शिखा सॉरी, अच्छा I'm chipping in between. तो वाजिब भाई 5-6 questions आपके लिए last में 5 minutes में जो आपसे पूछना चाहूंगा. कुछ चीजें हैं जो market को you know important है और you know I just want your honest opinion about it, जितना honestly आप बता सको. एक तो है सर कि इस धंधे में ये क्लाइमेट हुआ, पॉल्यूशन हुआ, इसके इश्यूज बहुत आ जाते हैं. आई थिंक एक टाइम पे अपना भी कोई ना कोई फैक्ट्री है ऑपरेशंस हुआ, बंद हुआ था बिकॉज ऑफ दीज रेगुलेशंस. नाउ हाउ मच आर वी प्रोटेक्टेड यू नो, और हाउ मच हैव वी सेफगार्डेड द बिजनेस ऑफ एचएमए बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस क्लाइमेट एंड पॉल्यूशन इश्यूज. क्लाइमेट, आपने सही क्वेश्चन किया. ये क्लाइमेट और पॉल्यूशन पे जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा अभी जो नया रूल एंड रेगुलेशन एनजीटी का आया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, अभी उन्होंने हमारे फैक्ट्रीज के अंदर पैरामीटर डिटेक्टर लगाए हैं वाटर पर और एयर पर. उससे हम लोगों को काफी सहूलियत है. वो अभी हमारे सारी यूनिट्स के अंदर सारे पैरामीटर यूनिट्स लग चुके हैं. वो लास्ट हमारा अभी लास्ट मंथ ही लगा है. जैसे कि आपने एक सवाल किया, आपका एक यूनिट बंद है, वो बंद नहीं है, यूनिट हमारा चालू है. मार्च में वो यूनिट चालू हो गया है और वो प्रोडक्शन पर है. अभी 28th of April से वो प्रोडक्शन पर है. और उसके अंदर जो डिटेक्टर पैरामीटर डिटेक्टर थे एनजीटी के, वो भी लग चुके हैं और ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उसका भी लग गया है. टोटल 4 मॉनिटरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेड कैटेगरी पर लगा दी है, जिससे कि हम लोगों को अब मतलब कोई भी आकर कुछ भी फिजिकल कह नहीं सकता है. पहले क्या होता था कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आया, फिजिकल उसने देखा और अपना फिजिकल टेस्ट किया और जो चाहा उसने डिसीजन ले लिया. लेकिन अब सब ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है, अंडर कंट्रोल विथ CGWA, अंडर कंट्रोल विथ सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, अंडर कंट्रोल विथ एयर एमिशन and one another also the flow meter of water. आपने कितना intake किया, कितना discharge किया, वो सब अब चारों online meter system installed है और वो सब monitoring मेरे ही mobile पर रहती है. अगर किसी भी तरीके का कोई भी alert आता है तो तुरंत वो within a seconds में message आ जाता है. तो वो हम उसको जो भी प्रॉब्लम होती है या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है उसको सही कर लेते हैं. लेकिन ये जो ऑनलाइन मीटर सिस्टम आया है, इससे हमारी इंडस्ट्री, क्या वो स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और भी जितनी भी पॉल्यूटेड इंडस्ट्री है, सब लोगों को काफी राहत मिली है. और हम इसीलिए बहुत थैंक्सफुल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसने हम लोगों की छोटी छोटी परेशानियों को खत्म कर दिया है. सर दूसरा क्वेश्चन मेरा, ठीक है ना. अभी मैं ये जब धंधा सोचता हूँ, एज ए सेड कि हमें कभी भी यू नो इस इंडस्ट्री में हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, सो यू नो दैट इज अवर इग्नोरेंस. बट जब मैं धंधा सोचता हूँ, एंड डोंट माइंड माय ब्लंट लैंग्वेज, ऐसा लगता है अगर ये तो पावर का धंधा है, यू नो दादागिरी है, यू नो कि कभी भी स्लॉटरिंग हाउस सोचो तो ऐसा लगता है कि यार यू नो ये तो चलो यू नो बफेलोस पकड़ेंगे, जिस तरीके से करना वो करेंगे फिर एक्सपोर्ट कर देंगे. आपके धंधे में सर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी मशीन्स, मगे इफ आई थिंक फ्रॉम अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, मगे हाउ कॉम्प्लेक्स आर योर प्लांट्स, यू नो मगे डू यू डिप्लॉय टेक्नोलॉजी, डू यू डिप्लॉय CRM, किस तरीके से होता है काम होता है वहां पे. मगे व्हेन वी थिंक अबाउट कि आपका कैपेसिटी इतना बढ़ गया है, बट आपकी मशीन्स लोकल होती हैं, ग्लोबल होती हैं, टेक्नोलॉजी होता है कि नहीं होता, यू नो सो हाउ मच प्रोसेसिंग हैपेंस विद ऑल दीस थिंग्स. जी जैसा कि आपने बताया प्लांट की वजह, अभी जो हमारा रिसेंटली नया लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट हरियाणा में
बताया जो है मिस्टर गुलजीत ने, दिसंबर में हमारा प्रोडक्शन पर आया, दिसंबर 2022 में। आप जो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, वो 6 महीने पहले जो कैपेसिटी थी वो 2 लाख मैट्रिक टन थी, आज हमारे पास 4 लाख मैट्रिक टन है, जिसको कि हम मार्केट में सेल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज हमारे पास प्लांट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मर्स हैं, रॉ मटेरियल है। आज हम जो लोग बात कर रहे हैं, शायद इस प्लांट की कैपेसिटी को यूज करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 1.25 लाख टन हम एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, और अभी हमारे पास कैपेसिटी पहले 2 लाख की, अब 4 लाख है, तो 1.25 लाख को हम 2.5 लाख टन पे ले जाने के लिए ही आप लोगों के साथ बातचीत चल रही है, उसकी प्लानिंग भी है। और हमारे एड ऑन न्यू प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, जैसे हमारा पेट फूड का प्रोडक्ट है, ये हमारा बाय प्रोडक्ट था, वो फिनिश प्रोडक्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया है। ऐसी और भी प्रोडक्ट एड ऑन हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था शुरुआत में मैं 3rd जनरेशन हूँ, गुलजेब इज अ 4th जनरेशन। अभी हमारे 2 नेफ्यू और आ रहे हैं, जिसके लिए हमको अगस्त में अनाउंस करना है। देन सेकेंड लॉट के अंदर हमारे 2 नेफ्यू और आएंगे दिसंबर के अंदर, उनके लिए भी हमारी तैयारी हो चुकी है, वक्त पर आप लोगों को बता दिया जाएगा वो सब क्या है, क्योंकि अभी बता देंगे तो मजा नहीं आएगा शायद हमारे व्यूवर्स को भी और जो हमारे इन्वेस्टर हैं। लेकिन आपका जो सवाल है कि आप, एक तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया था ट्रांसपोर्टेशन का और जो आपका पावर का, जो गवर्नमेंट ने 7 साल के अंदर काम किया है, इससे पहले कभी काम नहीं हुआ था इस इंडस्ट्री के ऊपर। 7 साल के अंदर गवर्नमेंट ने जो आपने सवाल किया है, उस सवाल का जवाब मैं आपको शायद इन पॉल्यूशन का, क्लाइमेट का दे चुका हूँ, 4 हमारे पैरामीटर ऑनलाइन लगा चुकी है। दूसरा आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन का, तो जो ट्रांसपोर्टेशन एक्ट है उसको चेंज किया गया है, उसके बाद जो भी परेशानियां थी रोड पे ट्रांसपोर्ट करने की, फार्मर्स को अपना जो एनिमल ले जाते थे अपने विलेजेस से, अपने जो बाजार लगते हैं, पशु बाजार लगते हैं, जहां से फिट फॉर ट्रेवल सर्टिफिकेट मिलता है किसान को, वो फिर ट्रक का मूवमेंट अब इजिली होने लगा है। पहले क्या होता था कि वो लोग कहते थे कि आप जानवर कहाँ से लेकर आ रहे हो, किसके लेकर आ रहे हो, उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो सरकार ने सबकी आइडेंटिटी कर दी है। दूसरा फिट फॉर ट्रेवल सर्टिफिकेट, जहां से भी आपने अपना पशु लोड किया ट्रक के अंदर, और ट्रक के भी एक पैरामीटर बना दिए गए कि इतनी हाइट का और इतने मीटर के ट्रक में आप इतने एनिमल ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको FFT लेना पड़ेगा, फिट फॉर ट्रेवल, जो वहाँ के लोकल हॉस्पिटल से आपको मिलेगा। और हर पशु हाट बाजार के अंदर गवर्नमेंट ने एक सरकारी डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर को अपॉइंट कर दिया है, कि जब भी जहां भी छोटे छोटे गांवों में अगर बाजार लगेंगे तो वहां पर एक नियरेस्ट हॉस्पिटल का वेटनरी डॉक्टर अपॉइंट कर दिया गया, जो जाता है जानवर को देखता है और फिट फॉर ट्रेवल का सर्टिफिकेट देता है, जिससे कि अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो परेशानियां भी खत्म हो गई। फिर आपका एक सवाल था कि आपके प्लांट इंपोर्टेड हैं या लोकल हैं, ये कैसे प्लांट होते हैं। जो अभी हमने हरियाणा के अंदर रिसेंटली प्लांट बनाया, वो एशिया का लार्जेस्ट प्लांट है, एशिया का सबसे खूबसूरत प्लांट है, और इंडिया का तो फिर नंबर 1 प्लांट है कैपेसिटी के अंदर। उसके अंदर हमारे पास हॉलैंड से हमने इम्पोर्ट किया, हमने स्पेन से इम्पोर्ट किया है मशीनरी, जर्मनी से इम्पोर्ट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स से इम्पोर्ट किया है, जापान से इम्पोर्ट किया है। जो प्लांट के अंदर मशीनरी है ऑलमोस्ट 85% इम्पोर्टेड है, इसीलिए हमने उस प्लांट को, इतनी बड़ी ह्यूज कैपेसिटी को हैंडल करने के लिए सारा प्लांट इम्पोर्ट किया है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी ह्यूज कैपेसिटी को हैंडल करने वाली कोई भी मशीनरी एंड हैंडल इक्विपमेंट्स नहीं थे, वो हमने सब इम्पोर्टेड लगाए हैं। वेरी गुड माजिद भाई, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, फिर आप जा सकते हो। यू हैव मेड मी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कंपनी, बट व्हाट कैन गो रॉन्ग, मतलब इस धंधे में सबसे आपको चिंता किस चीज की होती है, जब आप धंधे के बारे में सोचते हो, कैपेसिटी बना ली भैया, कल को ऐसा ना हो कैपेसिटी लगे ना, धंधे में पैसा लगा दिया, पैसा उठा लिया वर्किंग कैपिटल के लिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम एरिया इन दिस बिजनेस? इस बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर जो मिल्किंग प्रोडक्ट डिमांड कम हो जाती है या जो कलेक्शन पॉइंट जिस हिसाब से एड ऑन हो रहे हैं मिल्क के, अगर वो इसी तरीके से चलते रहेंगे तो हमारी कैपेसिटी इनहेंस होती रहेगी। और अगर जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अपना एनिमल हस्बेंड्री स्टेट
गवर्नमेंट को बोला और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बोला है, उस तरीके से अगर आप, जैसे कि मैं एग्जांपल बिहार का देता हूँ आपको, बिहार के अंदर कभी भी बफेलो एनिमल्स का मिल्क नहीं मिलता था। उसकी एक वजह थी क्योंकि बिहार के अंदर रोड सिस्टम नहीं था। जब बीजेपी गवर्नमेंट ने लास्ट सेशन में अपने, और जो नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है जेडीयू, उन लोगों ने जो प्रधानमंत्री योजना के अंदर सड़कें बनाई है, तो आज बिहार के अंदर जानवर की कैपेसिटी भी बढ़ गई, उनका दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। अगर इस तरीके से ही स्टेट वाइज, अगर हम, जैसे हमारा आज एमपी कंप्लीट है, हमारा राजस्थान कंप्लीट है, और बिहार हमारा ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुका है, अगर हम झारखंड में जाएंगे इस तरीके से, जो भी कलेक्शन पॉइंट मिल्क के बढ़ते चले जाएंगे और इंडस्ट्री मिल्क की बढ़ती चली जाएगी, हमारा प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ता रहेगा। और जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से मेरे को लगता नहीं है कि ये कैपेसिटी जो 4 लाख मेट्रिक टन की हमने लगाई है, अगर इस सिस्टम से स्पीड में चलता रहा तो हमको हो सकता है कि 8 लाख मेट्रिक टन पे जाना पड़ेगा आने वाले 3 साल के बाद। सर, इस धंधे में कैश कितना यूज होता है? इस धंधे में कैश का मतलब ही नहीं होता है। मतलब कि आप जो फैलो जो आप किसानों से लेते हो, सब बैंक के पास, सबके पास बैंक अकाउंट है। सॉरी, हम लोग का जो सप्लाई होता है वो हम लोग के सप्लायर्स एजिटेटर्स आप उनको बोल सकते हैं, वो हम लोग को प्रिक्योर करके देते हैं। हमारा कंपनी उनको यूटी जो भी उनका पेमेंट मोड है, जैसे एनईएफटी है, चेक है, बैंक ट्रांसफर है, वो लोग से उनको पेमेंट। तो बहुत फैसिलिटीज आ गई, यूपीआई है, पेटीएम। तो जानवर एक या दो जानवर किसान बेचता है, तो भूमि पे यूपीआई, बहुत गूगल पे, इतनी फैसिलिटीज हो गई हैं अब तो, जानवर का 25,000, 26,000 या ऑलमोस्ट 30,000 वो आसानी से, ये मोबाइल बैंकिंग से इजी हो गया है। जो ऐप, मोबाइल ऐप जो आप कह सकते हैं जो चल रही है, उससे हमारे धंधे में और बढ़ोतरी हो गई। आपका सिस्टम जिस तरीके से होता है ना कि वो कलेक्शन सेंटर कर लिए, लॉजिस्टिक्स का धंधा होता है कि कलेक्शन कर लिया भैया, कलेक्शन के बाद लेके अनदर पीपल, द सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ आवर सप्लाई। तो आप लोगों ने कोई टेक्नोलॉजी सिस्टम अडेप्ट किया हुआ, कोई सीआरएम हुआ, कोई सैप हुआ, कुछ लगाया हुआ है जिसमें आप पूरे का पूरा बिनो देखते रहते हो कि कहाँ पे, भारत में आपको चाहिए कि नहीं? वीरेंद्र जी, ये हमारी मोनोपोली है, ये हमारा यूएसपी है। तो हमारे लिए बहुत, हमारा 120 साल का पीरियड है, हम शायद इसको नहीं बता पाएंगे कि हमारा सिस्टम क्या है रॉ मटेरियल का। वीरेंद्र जी, आपने एक क्वेश्चन आपने किया था कि इस धंधे में दूसरे लोग क्यों नहीं आते, तो यही यूएसपी है जो दूसरे लोग, यही है जो ट्रिपल के प्लस हमारे फोर फादर से मिला, जो पास नहीं है, ट्रिपल के पे काम करते हैं हम लोग बस, और वो सिस्टम है। आपने मुझे ट्रिपल के सिखा दिया सर, आज एक ब्लैक गोल्ड सिखा दिया, ये तो काला सोना। हाँ, तो ये हमारे फोर फादर, फिर फादर हमारे, हमारा जो भी बात होती है सब कोर्ट पे बात होगी। अगर ये भी मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हमारा जानवर जो पशु आते हैं हाट बाजार से, तो वो एक हमारे जो सबसे बड़े गुजार है, मतलब हमारे चेयरमैन है, उनको मालूम है कि वो पशु किस यूनिट में जाना है, किस कंट्री के लिए जाना है। वही हमारी मोनोपोली है रॉ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री। बस ये कुछ चीजें हैं इस हमारी फैमिली की, और ये बिजनेस जो है केवल हमारी फैमिली का ही है। हम फैमिली के 52 मेंबर्स हैं जो कि ये सब प्रोडक्ट क्वालिटी ब्रांडिंग कंट्रोल सब हम फैमिली के मेंबर्स करते हैं। मैं कितना बोला, 52 सर? 52 फैमिली मेंबर्स हैं हम, चार जैसे मेरे दादा के भाई, ये सब हमारी फैमिली है। सारे सब इसी धंधे में है, सब एग्रीकल्चर में है, कोई फ्रूट्स में है, कोई वेजिटेबल्स में है, कोई राइस में है, कोई फिश में है, और कोई प्रिक्योरमेंट में है कि एप्पल का, मैंगो का प्रिक्योरमेंट में है, बफेलो का, और कोई कैटल फीड में है, कोई पोल्ट्री फीड में है, लेकिन हम सब किसान से रिलेटेड धंधे में। एचएमए के अंदर हम लोग तकरीबन 32 मेंबर्स हैं, जिसमें कि आप मेरे नेफ्यू हैं, मेरे कजिन हैं, और मेरे कजिन हैं, और मेरे चाचा हैं, वो सब एक सिस्टम है जो बना हुआ है। वो सिस्टम
मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, लेकिन सबके साथ में नहीं, क्योंकि वही बस एक मोनोपोली है HMA की आज तक किसी को नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है कि हम सोच ही नहीं सकते इसके बारे में। तो इसीलिए धंधे में आना बहुत मुश्किल है। एक तो 20 साल की मेहनत है वीरेंद्र जी, एक तो 20 साल की मेहनत है हमारी परिवार की, आजकल का धंधा नहीं है। नहीं नहीं सर, ये धंधा टू बी ऑनेस्ट मतलब अलग, वो अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप देखेंगे इसको IPO लिस्ट होने के बाद, जब पब्लिक को समझ में आएगा तब इंटरेस्ट पैदा होगा, तब आप लोग समझेंगे। फिर हमारे पास अब इतने जब से अनाउंस हुआ है तब से दिन भर के अंदर मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ कितने लोगों के फोन आ रहे हैं, मैसेजेज आ रहे हैं, हर लोग समझना चाहते हैं ये ट्रेसिबिलिटी क्या है आपकी। और अब लोग नेट पे देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, लोगों से पूछते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ मिलता ही नहीं। कोई बात नहीं सर, हमारा वीडियो समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं पर्सनली कभी मिलूंगा तो 3 घंटे आपको मेरे को देना पड़ेंगे, और मैं आपसे अभी विदा मांगता हूँ, परमिशन मांगता हूँ। थैंक यू सो मच। जो आपने सोचा है उससे बेहतर मिलेगी, ये इंडस्ट्री इंडिया के लिए नई ग्रोथ है आने वाले समय के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक्सपोर्ट के अंदर, एग्री प्रोडक्ट के अंदर, इसमें देखिएगा आप लोगों को कितनी ग्रोथ नजर आएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मर का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, मतलब फार्मर का प्रोडक्ट डायरेक्ट एक्सपोर्ट है, बस ये चीज हमको ध्यान रखनी है। Got it. No, I agree, sir. I think food security, a lot of rules, regulations, APEDA, FSSAI, जो आपने सब बोला किस तरीके से है, not a सारे डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट्स आपको है आपके पास, अगर फिर भी आप चाहते हैं तो एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बाय मेल भेज दूंगा, मैं अपने मैनेजर को बोल दूंगा, आपको जो भी चाहेंगे मैडम को, आपको मैं आपको पूरी अपने मैनुअल दूंगा, रेड मैनुअल जिसको हम बोलते हैं, वो आपको। अजीत भाई हमारे लिए क्वेश्चन आपको, सर हम आपसे 1 घंटे से पूछ रहे थे, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन हमारे लिए बिफोर मिले, अभी समय मेरा एग्जाम का है, अभी तो मैं एग्जाम दे रहा हूँ, समय जब पूछूंगा, जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तब उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मेरा इम्तिहान का वक्त है, और मेरा रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्दी, और अच्छा रिजल्ट आएगा। हर लोग सोचते हैं 100 पॉइंट्स का, तो मैं भी 100 पॉइंट्स की रिजल्ट की आशंका रखता हूँ, और फिर उसके बाद आपसे सवाल जवाब होंगे, इस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, मुंबई आकर बताऊंगा, और आप और हम क्या कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। But thank you, thank you, sir. Thank you so much, sir. Everyone, okay for hearing this. Vinod Dhanda sir, you are continue with CFO sir. नहीं सर, हम भी बंद कर रहे हैं, because it's long, you know, तो viewers को भी ऐसा लगेगा क्या हो गया। But any pending questions, I think we asked everything, right, Shikha? Yes, yes, of course. Later. Thank you, Vijay sir. आपका भी बहुत बताया। I think आपका video रुक गया, but thank you so much. Thank you, Gulzeb.